खतरनाक लोग बैठे हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं जी। नादिया ठीक हैं आप? आप बताएं। नादिया? नादिया इनका फोरमैन शो के जमाने का मजाक है। हमें लगा कोई प्राइवेट बात है। मैं वहां देखने लगा फौरन। नादिया तुम? इनकी मौजूदगी में प्राइवेट बात मैं कर नहीं सकता हूं, प्रॉब्लम हो जाएगा। इनकी तरफ देखे बोला नादिया ठीक है ना? नहीं मैं बाल वाल भी देखे ना थोड़ा। मैंने कहा मैं पूरा ही नादिया बन जाऊं। नहीं मैं बाखुदा खुश हो गया। मैंने कहा कुछ चीजें हमें जो आज तक तत्मीन ने नहीं बताई कुछ और भी था। सो बहुत शुक्रिया आपका मुझे। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर। मैं बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ी सी एक एपिसोड शेयर कर लेता हूँ। आई हैड द ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद योर मदर। और उमर शरीफ साहब का शो था, मैं वो एक प्राइवेट चैनल पे शो शुरू कर रहा था, तो फौजी आपा वाज द गेस्ट पहले। उमर भाई ने वो कर लिया, बातचीत होगी, मैं आया तो उन्हें उमर भाई ने बोला तुम्हें सियासत का शौक है? मैं कहा हाँ जी। फौजी आपा कहती हैं तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मैंने कहा जी सुना खिदमत होती है, तुम भरे पेट वालों के बस की बात नहीं है। अब मैं एग्जैक्टली सवाल पूछने लगा मुर्जा से, आपा तो कहती थी भरे पेट वालों का काम सियासत नहीं है, तो फिर आप सियासत में आ गए, ये तो खुला तजाद है। पेट भरा हुआ नहीं है, लोग कहते हैं कि फिट हूं। मुर्जा यहाँ खाली पेटों से जो लोग जो जो चीजें खा गए हम आपको क्या बताएं। हाँ बट आपका अटैक किस तरफ है? मेरा इनके ऊपर रख के आपकी तरफ है। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था, बिकॉज हमारी जो मीडिया टीम है वो बहुत रिसर्च करती है, एक खातून है उसमें, उसने एक तस्वीर दिखाई मैडम टुसॉड्स टाइप की जगह है, वहाँ एक स्टैचू उसके साथ ये खड़े हुए हैं और एक पूरी उसके नीचे दास्तान मोहब्बत। वो इनकी कायम अली शाह के साथ तस्वीर थी। I have to go back and put my spectacles on and see that. But anyway, मेरे ख्याल में आप उनको नाम कायम और दायम अली शाह रखना चाहिए। कायम दायम दायम है माशाल्लाह और दायम रहे और कायम भी है।